आंगनबाड़ी का सेविका और सहायिका 100 रुपया और 150 रुपया प्रतिदिन पर काम करने के लिए व्यवस्था। नमस्कार, मैं तेज सिंह मौर्य, आप सभी का आंगनबाड़ी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की यह वीडियो बिहार से है, लेकिन सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों को यह देखना चाहिए। बिहार की विधानसभा में विधायक फतेह बहादुर सिंह ने आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को बहुत अच्छे शब्दों में विधानसभा के सामने रखा, पूरे देश के सामने रखा। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि आंगनबाड़ी बहनें 100 रुपए प्रतिदिन पर काम करने को मजबूर हैं और साथ में जो आशा बहनें हैं वो मुफ्त में काम करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय है कम से कम 10,000 रुपए प्रतिमाह करना चाहिए और साथ में जो आशा बहनें हैं उनको एक फिक्स सैलरी मिलनी चाहिए। और साथ में डेहरी विधानसभा से माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह आते हैं, वहां पर जो सीडीपीओ हैं उनके भ्रष्टाचार की बात उन्होंने बताई और उन्होंने कहा कि जो वहां के सीडीपीओ हैं आंगनबाड़ी बहनों से पुष्टाहार के लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह वो आंगनबाड़ी बहनों से लेती हैं, उनका शोषण करती हैं और साथ में भवन का किराया देने के नाम पर 6,000 रुपए उनसे लिया जा रहा है। बताइए, बिहार में इतना कम मानदेय है और उसमें सीडीपीओ साहब जिनकी सैलरी इतनी अधिक है और वो आंगनबाड़ी बहनों से इतना ज्यादा पैसा ले रहे हैं, आंगनबाड़ी बहनों कैसे जो है अपना जीवन चलाएंगी, उनका शोषण ही हो रहा है। इन बातों को जब सदन में उठाया जाता है तो हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है कि कम से कम कोई तो उनके लिए बात कर रहा है। जनता का, जिन्होंने हमें सदन में भेजने का काम किया, सभापति महोदय, भवन निर्माण के लिए सत्ता पक्ष के द्वारा बड़े बड़े दावे किया गया। हमारे डेहरी में रामा रानी महिला उच्च विद्यालय है, 2 साल पहले भवन निर्माण के द्वारा भवन का निर्माण हुआ। आज वो भवन का स्थिति है कि उस भवन में न डर से उसमें टीचर जा रहे हैं, न बच्चे जा रहे हैं, भवन हिल रहा है। इसे साबित यह होता है कि जो सत्ता पक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है वो केवल कागज और कलम पर ही सीमित है और 10+2 का जितने भी विद्यालय है, जो 10 से +2 हुआ है, लगभग 60% विद्यालयों में भवन नहीं है। भवन के अभाव के कारण बच्चों का एडमिशन नहीं किया जा रहा है। आप सर्वे करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच करा लीजिए। आप शांति बना रखे प्लीज। महोदय, समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर मुख्यमंत्री जी लिखते हैं, महिलाओं के विकास के बिना हमारे राज्य का विकास संभव नहीं है। सभापति महोदय, यह कैसा महिलाओं का विकास है? हमारे राज्य में आशा की महिलाएं मुफ्त में काम करने के लिए मजबूर है, आंगनबाड़ी का सेविका और सहायिका 100 रुपया और 150 रुपया प्रतिदिन पर काम करने के लिए बेबस है। बोल देना और कर देना दोनों में काफी अंतर है महोदय। इसके लिए महिलाओं को विकास के लिए, महिलाओं के सशक्ति के लिए मैं आपके माध्यम से जो आंगनबाड़ी का जो सेविका है जिनको 5,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है, मैं उनको 10,000 रुपया प्रति माह देने के लिए मांग करता हूं। और जो आशा की महिला फ्री ऑफ कॉस्ट जो काम कर रही है उनके लिए भी वेतन निर्धारण करने का महोदय मैं मांग करता हूं। समाज कल्याण विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा है महोदय,
हमारे डेहरी नगर का CDPO हैं, हमारे डेहरी नगर का CDPO हैं, वो हर सेविका से प्रति माह 3,000 रुपया लेने का काम करती है। महोदय, आप समझिए कि जो सेविका CDPO को प्रति माह 3,000 रुपया मंथली दे रही है, वो पोषाहार में से ही काट करके दे रही है। और अभी महोदय किराए का पैसा आया हुआ है, किराए का पैसा देने के लिए फॉर्म जमा करने के लिए सेविकाओं से 6,000 रुपया सब 6,000 रुपया मांगा जा रहा है या लिया जा रहा है CDPO के द्वारा। तुम दो मिनट बचा है मात्र। तुम महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं, पूरे बिहार में बाल विकास विभाग का सरकार के माध्यम से जांच, महोदय उसको जांच करा लिया जाए। और महोदय हमारे बजट भाषण में उप मुख्यमंत्री जी एक शायर बोले थे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। महोदय, मजबूत इरादों को लेकर हम आपके साथ खड़े हैं, लगी है प्यास लेकर गिलास खड़े हैं, हम तो पलक बिछाए इंतजार कर रहे हैं विकास के समंदर का, बस इतना बता दीजिए वो विकास का समंदर कब आएगा। कृपया बैठ जाए, आपका समय समाप्त हुआ। धन्यवाद। माननीय सदस्य मोहम्मद इजहार आसमी जी, माननीय सदस्य मोहम्मद, तथा अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार संकल्पित है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो खादान योजना चल रहा है महोदय, उसमें जो स्टैंडर्ड जो लिमिट निर्धारित किया गया है महोदय, उसमें बताया गया है कि एक दिन में कितना खाना खाना है। उसमें बताया गया है कि जो 2-6 से 9 माह के बच्चे हैं महोदय, उनको 200 ग्राम मुलायम खाना जैसे दाल चावल खिचड़ी 1/4 लगभग 2 छोटी कटोरी और पूरी भरकर 24 घंटे में देना है। इसी तरह से 9 से 12 माह का, 12 से 24 माह के बच्चों का जो कि कुपोषण से बचाया जा सके, उसको महोदय जो ये देना है कि किस तरह से उसका हेल्थ डेवलप हो और किस तरह से उसका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो, इतना भोजन उपलब्ध कराना है महोदय। लेकिन सरकार जो भारत सरकार ने जो पैमाना तय किया है महोदय, उसके बाद भी यदि आप समीक्षा करेंगे महोदय, तो बिहार के अंदर जो समाज कल्याण विभाग है उसके द्वारा जो निर्धारित किया गया है भोजन का व्यवस्था का, उसका पूरे तौर पर महोदय बिहार में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा महोदय सेविका और सहायिका का घोर अभाव है पूरे बिहार में। सेविका और सहायिका के अभाव के चलते अभी लगभग 60,000 पद पूरे बिहार में सेविका और सहायिका का रिक्त है महोदय, जिसके चलते समाज कल्याण विभाग अपने जो कार्यक्रम है उसको क्रियान्वित सही ढंग से धरातल पर नहीं कर पा रहा महोदय। हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि समाज कल्याण विभाग में जो रिक्त पदे पद हैं उसको भरा जाए। उसके अलावा प्री स्कूल एजुकेशन, मैं अपने अपने क्षेत्र का एक दो बात कह करके महोदय मैं समाप्त कर दूंगा। हमारे यहाँ महोदय आंगनबाड़ी की यह स्थिति है कि जो हमारे यहाँ CDPO है इस्लामपुर में महोदय, कभी मुख्यालय में नहीं रहते, वो पटना में रहते हैं, पटना से ही काम करते हैं, कभी मुख्यालय में महोदय कभी वो इस्लामपुर में नहीं रहते। एकंगरसराय में जो CDPO है दूसरे जगह का प्रभार में है महोदय, वो कभी नहीं आती है एकंगरसराय को देखने के लिए, इसलिए ये दोनों जगह पर CDPO। आपका समय 12 मिनट पांडे जी।
सभापति महोदय थे, जय थे हाउस।